हेलो चिल्ड्रन, गुड इवनिंग। आई होप कि मेरे सभी बच्चे स्वस्थ, सकुशल और हैप्पी होंगे। आई नो कि इस टाइम पे थोड़ी सी सैडनेस हो सकती है, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप बिल्कुल सैड ना होइए। हम आपके सिलेबस को पीछे नहीं रहने देंगे, हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम चलेंगे। ओके, बस आप केवल फॉलो करते रहिए, आप अपने रूटीन के हिसाब से चलिए। आप अपने अपना एक रूटीन बना लीजिए, कंक्रीट रूटीन, और उसको फॉलो कीजिए। चले, कल हमने देखा था हाइपोस्टेस, इपीस्टेस और ऑब्टुरेटर। जो आपने हाइपोस्टेस और इपीस्टेस देखा था, तो आपने बोला था कि इपीस्टेस जो है वो एम्ब्रायो सैक के टॉप पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देखे होंगे स्क्वैश, कदीमा जिसको बोलते हैं आप, तो उसके जब वो बेबी पीरियड में होता है तो नीचे एक फूल जैसा लटका होता है, वो फ्लावर नहीं होता। दैट इज़ अ कप लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज इपीस्टेस, स्क्वैश जिसको बोलते हैं आप कदीमा को हिंदी में। ओके, तो और फिर आपने ऑब्टुरेटर देखा था। ये तीनों टर्म्स आपको याद रखना है, स्टार पॉइंट लगा लेना है। उसके बाद आपने पॉलिनेशन देखा। पॉलिनेशन में आपने ऑटोगेमी, पॉलिनेशन को बस जस्ट एक मिनट रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। आपने कहा था कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको आपने दो भाग में बांटा था, एक था ऑटोगेमी, ये नहीं लिखना आपको, आपको तो लिखा हुआ है, बस रिकैप कर रहे हैं एक मिनट। ऑटोगेमी और सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को आपने दो भाग में बांटा, एक ऑटोगेमी और दूसरा गीटोनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन को आपने दो और नाम से जाना, कौन कौन, एक एलोगेमी या जेनोगेमी, है ना। तो ऑटो मतलब क्या होता है बच्चों, ऑटो मतलब सेल्फ, और गेमी जो है गेमोस वर्ड से बना है और इसका मतलब होता है क्या, मैरिज। यानी आप देखिए कि एक प्लांट है और उसके फ्लावर हैं, उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो एक ही घर में शादी हो गई, मतलब पॉलिनेशन हो गया, इसको ऑटोगेमी बोला। गीटो, गीटो मतलब होता है नेबर, पड़ोसी जिसको बोलते हैं आप, और गेमी मतलब मैरिज। तो आपने देखा था कि एक प्लांट है और इस पे दो फ्लावर हैं, है ना, ये एक घर, दोनों दोनों को पड़ोसी हो गए, यहाँ से पॉलन ग्रेन चला, इस घर में आ गया, तो पड़ोसी से शादी हो गया, तो इसको क्या बोल दिया, गीटोनोगेमी। और एल्लो, एल्लो मतलब होता है अदर, और गैमी मतलब पॉलिनेशन या मैरिज होता है, गैमोस मतलब मैरिज होता है, और जेनो मतलब होता है स्ट्रेंज। हाँ भाई, जाति एक ही है लेकिन पहचानता नहीं दोनों एक दूसरे को, स्ट्रेंज है वो, है ना, अदर से मैरिज होगा, स्ट्रेंजर से मैरिज होगा। तो ये आपने देखा था। आज हम चलेंगे कि आखिर सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए किस किस एडेप्टेशंस की दरकार होगी, या कि जो सेल्फ पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं प्लांट या फ्लावर, उनमें वो नेचर ने कौन कौन से एडेप्टेशंस दिया है, अनुकूलन दिया है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो जो अब चलिए चलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन,
है ना, किसी किसी बुक में कॉन्ट्रीवेंसेस को एडेप्टेशंस भी लिखा हुआ है। ओके तो आइए हम लोग इनके कॉन्ट्रीवेंसेस को देखते हैं। किनका कॉन्ट्रीवेंस देखना है? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इसको देख के फिर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन देखेंगे। ओके तो सबसे पहला जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, वो है होमोगेमी या ऑटोगेमी, है ना, होमोगेमी या ऑटोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन दोनों ही रिसेप्टिव एक ही समय में होते हैं, दोनों ही रिसेप्टिव मतलब मैच्योर एक ही समय में होते हैं। मान लीजिए कोई एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसके जो स्टेमेन है वो मैच्योर हो गए हैं, लेकिन उनके जो पिस्टिल हैं वो मैच्योर नहीं हैं, तो क्या पॉलिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। तो क्या शर्त होनी चाहिए कि अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो दोनों सेक्स ऑर्गेन को, मतलब किसको, स्टेमेन को और पिस्टिल को, एक ही समय पे मैच्योर होना होगा। और आप याद करें, जब आपको मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एनिमल में पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने एक टर्म दिया था आपको, सिंक्रोनी, है ना, जिसको आप बोलते थे क्या एक ही समय में दोनों काम होना, है ना, इधर स्टेमेन भी रिसेप्टिव हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, और इधर पिस्टिल भी मैच्योर हो रहा है, यानी रिसेप्टिव हो रहा है। नहीं तो इसमें क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गेन यानी स्टेमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन यानी पिस्टिल या कार्पेल या स्टिग्मा आर रिसेप्टिव या मैच्योर एट द सेम टाइम, है ना। और इसी को आपने क्या बोला था, बोलो, सिंक्रोनाइजेशन या सिंक्रोनी। ओके तो ये है, ये क्या हुआ आपका, होमोगेमी या ऑटोगेमी, है ना, एक ही जैसा होना चाहिए दोनों सेक्स ऑर्गन, एक ही जैसा मतलब एक ही समय पे मैच्योर होना चाहिए, है ना। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका एग्जांपल है मिराबिलिस कैथरेंथस। ओके चलिए, ये था पहला एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन अब हम लोग देखते हैं, फ्लावर को कैसा होना पड़ेगा, बायसेक्सुअल होना पड़ेगा। तो दूसरा एडेप्टेशन क्या हो गया बच्चों, बायसेक्सुअलिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन इन अ फ्लावर, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसको आप क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, मोनोक्लाइनी भी बोलते हैं, मोनोक्लाइनी भी बोलते हैं। नहीं, मनुष्य यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में यानी एक ही फ्लावर में होना चाहिए, तो बाइसेक्सुअलिटी हो गया। चलिए थर्ड और लास्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्या, क्लिस्टोगेमी, ओके, या क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्ट मतलब होता है क्लोज्ड, क्लिस्टो मतलब होता है क्लोज्ड, यानी इनके फ्लावर जो होंगे वो क्या होंगे बेटे, क्लोज्ड होंगे। अब देखो ना कि एक बात बताओ मुझे, अगर फ्लावर बिल्कुल ब्लूम है, ओपन है,
तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन का ज़्यादा चांस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फ्लावर अगर ओपन है तो दूसरे प्लांट के भी पॉलिनेशन आ सकते हैं ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा. तो इसीलिए क्लोज्ड फ्लावर होते हैं. मतलब कि जैसे देखो ना, कि ये आपका मान लीजिए थैलेमस हो गया और यहाँ पे इनके मेल सेक्स ऑर्गेन है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, और ये दोनों ही सेक्स ऑर्गेन बंद है मान लो, है ना, तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस है? बिल्कुल नहीं. तो ये एडेप्टेशन है. इस कंडीशन को बोलते हैं क्लीस्ट या क्लिस्टो. बंद फ्लावर जब होगा तो उसको उसका मतलब होता है क्लिस्टो, क्लिस्टोगेमस फ्लावर. यानी ये कभी नहीं खिलते हैं, ये कभी नहीं खिलते हैं. और ऐसे कई प्लांट हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ड्रोशेरा, जंकस, कॉमेलिन, ऑक्सालिस, बहुत हैं. आपके नोट्स में और बहुत डिटेल लिखे होंगे, है ना. इसमें क्या होता है, ये बेटे दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. ऐसे प्लांट दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. देखो कितना अच्छा एडेप्टेशन है. एक जो फ्लावर होता है वो क्लीस्ट होता है, मतलब हमेशा बंद होता है. ये जो प्लांट हैं ये कितने टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? दो टाइप के. एक फ्लावर जो होता है उनके प्लांट पे कैसा होता है? बंद होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एडेप्टेशन है जिसके पास. और एक होता है चेस्मोगेमस. एक कौन होता है? चेस्मोगेमस. चेस्मो मतलब होता है ओपन. तो ये प्रीफिक्स याद कर लीजिएगा, क्लिस्ट मतलब क्लोज्ड और चेस्मो मतलब ओपन. तो ऐसे प्लांट कितने टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? दो टाइप के. एक क्लोज्ड फ्लावर और एक ओपन फ्लावर. यानी देखिए ना कितना अच्छे प्लांट है ये. यानी कि और पता है जो बंद फ्लावर है ये किसी और सीजन में पॉलिनेशन करते हैं, और जो ओपन वाला है वो किसी और सीजन में पॉलिनेशन करते हैं. समझ आ रहा है ना? इसलिए तो ये जो एडेप्टेशन है ओपन वाला, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एडेप्टेशन नहीं है. ये किसका एडेप्टेशन हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन का, है ना. बट हम अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसका एग्जांपल हम किसका लेंगे अभी फिलहाल? क्लिस्टोगेमस का. ओके, ये बात है. तो ये तीन एडेप्टेशंस थे बेटे किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के. अब जल्दी जल्दी से दो चार पॉइंट देख लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, तब देखेंगे कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. आइए, पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, कि सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या क्या हैं. देखिए यह क्या करता है, इट मेंटेन्स प्यूरिटी ऑफ रेस. रेस मतलब जाति. यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले प्लांट होते हैं वो अपने प्लांट के जाति को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, एकदम शुद्ध प्योर रखते हैं एकदम. क्यों? क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तो नहीं हो रहा है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो नहीं हो रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर तो नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हो. यानी होमोजाइगस संतति होंगे इसके, होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग होंगे इनके, है ना. अच्छा, इनके जो सीड्स होते हैं वो प्योर लाइन के होते हैं,
कोई वेरिएशन नहीं होता है। कोई वेरिएशन कहाँ से होगा भाई साहब, क्रॉसिंग ओवर तो हो नहीं रहा है ना, इसीलिए वेरिएशन नहीं होगा। अच्छा, और क्या क्या एडवांटेज हैं कि चूंकि इनके पास अपना सब कुछ खुद है तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फ्लावर या एजेंट्स या फैक्टर्स। अच्छा, अब चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो फ्लावर को जो है ब्राइटली कलर्ड भी होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सुगंध भी होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्टर भी होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। और ये सब चीज़ होने के लिए ढेर सारे एनर्जी की दरकार होती है फ्लावर्स को, है ना, तो ये एनर्जी खर्च करने से बच जाते हैं, है ना। चले, तो ये तो हो गया एडवांटेज। नाउ अब डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेजेस, चूंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो यहां वेरिएशन भी नहीं होगा और एडेप्टेबिलिटी भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी जो हाइब्रिड होते हैं उनका जो आपने क्या पढ़ा था मियोसिस में, याद करो ना कि क्रॉसिंग ओवर इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। यानी इवोल्यूशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, हाइब्रिड होंगे तभी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो वेरिएशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो नो वेरिएशन एंड अडेप्टिबिलिटी जो होगा वह बिल्कुल ही लेस होगा। चलिए दूसरा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन करने वाले होते हैं ये डिजीज रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, यानी ये बहुत ही वीक प्लांट्स होता है इनका, बहुत वीक प्लांट होता है, तो डिजीज रेजिस्टेंस जो है इनका, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होता है इनका, वो बहुत ही लेस होता है, है ना। ये जल्दी बीमार होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्लांट होता है ना। चलिए, उसके बाद ये हो गए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी जो फ्लावर या प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टेशन हो सकता है। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, क्या क्या होना चाहिए। तो जो आपने सेल्फ पॉलिनेशन में कहा था, दो तीन पॉइंट तो उसके उल्टे हो जाएंगे। क्या आपने कहा था उसमें होमोगेमी, यानी उनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक ही टाइम पे मैच्योर होते थे तभी ना सेल्फ पॉलिनेशन होता था, सिंक्रोनी होता था। लेकिन अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन वाले फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गेन अगर एक ही टाइम मैच्योर हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस होंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन पसंद करने वाले फ्लावर क्या करेंगे, दोनों जो सेक्स ऑर्गेन होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैच्योर या रिसेप्टिव होंगे, है ना। तो इसको जो टर्म दिया गया है वो है क्या, डाइकोगेमी। तो चलिए पहले एक और देख लीजिए, जो आपने बोला था उसमें क्या बोला था, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए, यूनि सेक्सुअलिटी होना चाहिए था। और वहां आपने बोला था मोनोक्लाइन, यानी एक ही फ्लावर के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गेन, तो यहां पे क्या टर्म दे देंगे हम, डाइक्लाइनी। डाई मतलब अलग अलग फ्लावर के बॉडी में सेक्स ऑर्गेन होना चाहिए, तो इसको टर्म क्या देते हैं बच्चों, डाइक्लाइनी। अच्छा, वहां बोला था आपने होमोगेमी, तो यहां
उसका उल्टा हो जाएगा क्या? डाइकोगेमी, है ना? मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स गेट मैच्योर या रिसेप्टिव एट डिफरेंट टाइम। नहीं तो इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं बच्चों, या तो पहले मेल रिसेप्टिव हो जाए या तो पहले फीमेल रिसेप्टिव हो जाए। नहीं, अच्छा अगर तो मेल फ्लावर यानी मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, इफ मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फास्ट, तो इसको टर्म दिया जाता है प्रोटो एंड्रस। एंड्रो मतलब मेल, प्रोटो मतलब पहले। अच्छा अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट, तो इसको हम लोग टर्म देते हैं प्रोटोगाइनस। गाइनी मतलब फीमेल ना, प्रोटो मतलब पहले, अगर पहले मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होगा तो प्रोटो एंड्रस, और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होगा तो प्रोटोगाइनस। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉटन का, है ना, कॉटन का ले सकते हैं, या और भी कई हैं, भिंडी का ले सकते हैं, एबेलमस्कस स्कूलेंट्स का ले सकते हैं, है ना, सेल्विया का ले सकते हैं। और जो प्रोटोगाइनस है, जो जिसमें पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होता है, उसका आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसको बोलते हैं, है ना। आपके नोट्स में और भी सारे एग्जांपल्स होंगे, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दो कॉन्ट्रीवेंसेस यानी एडेप्टेशंस देख लिया आपने, आइए थर्ड पे चलते हैं हम लोग। थर्ड है हेटरो स्टाइली। हेटरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब जो स्टिग्मा के नीचे पार्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, स्टाइल यानी। और इसका एग्जांपल जो हम लेंगे बेटे, वो लेंगे प्राइमूला वल्गारिस का। ये क्या करते हैं, ये दो टाइप के फ्लावर ये भी प्रोड्यूस करते हैं। एक में एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें अगर तो स्टाइल लंबा हुआ तो स्टमेन छोटे हो जाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस खत्म। अब फिर वाइस वर्सा कर लो कि अगर स्टाइल छोटे तो उसके जो स्टमेन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बड़े, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांस खत्म हो जाएंगे, है ना, ये बात है। तो चलें मैं दोनों ही सिचुएशन बता रहा हूं आपको। अगर इनके ये देखो स्टाइल बड़े हैं तो इनके जो स्टमेन हैं वो क्या हैं, छोटे हैं, है ना, देख रहे हो, सेल पॉलिनेशन के चांस खत्म। तो और ऐसे फ्लावर को बोलते हैं पिन फ्लावर। और अब इसका उल्टा कि अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन छोटे हैं तो इनके जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। इसको बोलते हैं थ्रम। इसको इस फ्लावर इस
टाइप के फ्लावर को कैसा बोल, कौन सा फ्लावर बोलते हैं बेटे? थ्रम। और जिसमें स्टाइल लंबा हो उसको क्या बोलते हैं? पिन फ्लावर, है ना। ऐसा प्राइमोला में होता है। हेट्रो स्टाइली, देखिए ना स्टाइल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसीलिए नाम दिया इस एडेप्टेशन को क्या? हेट्रो स्टाइली। चले अगला, फोर्थ। फोर्थ है सेल्फ स्टरिलिटी। सेल्फ स्टरिलिटी है ना, यानी जो फ्लावर होंगे उनके अपने फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा, मान लो बाइसेक्सुअल है तो उनके अपने फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट नहीं करेंगे पॉलन ग्रेन, है ना। और अगर जर्मिनेट कर भी गए तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी फ्लावर ने क्या कर लिया? खुद को स्टेराइल कर लिया, है ना। क्यों क्यों कर लिया? ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेशन पसंद करने वाले फ्लावर हैं। ओके, और ऐसा कहाँ होता है? तो एग्जांपल ले सकते हैं आप मालवा का, पिटूनिया का, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों मेरा, जैसे मान लो ये फ्लावर है, थैलेमस बनाया मैंने, और ये स्टिग्मा है, और मान लो कि ये इनका अपना एंथर है, मान लो, तो ऑफ कोर्स पॉलन ग्रेन आएंगे। लेकिन जैसे ही इनके अपने पॉलन ग्रेन आएंगे ना, इनको जर्मिनेट नहीं होने देगा ये, या अगर जर्मिनेट हो भी गया तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल गैमेट लेके कौन जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही इसी स्पीसीज के कोई दूसरे पॉलन ग्रेन आ गए, इसको फट से ये जर्मिनेट कर देगा। समझ में आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या? सेल्फ स्टरिलिटी। ओके, अच्छा अब आगे देखिए, जो अगला बता रहा हूँ बेटे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये कई बार पूछे भी जा, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो अगला है आपका हर्कोगेमी। हर्कोगेमी इसमें क्या होता है? इसमें पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक फिजिकल बैरियर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्रिकेट खेलने के लिए? अरे नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए, है ना। इसमें एक फिजिकल बैरियर बन जाता है। किसके किसके बीच में बच्चों? बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा, पॉलन एंड स्टिग्मा। और आपको मैं और एग्जांपल इसका हम किसका लेंगे? वही कैलोट्रॉपिस का, जिसमें पोलिनिया या पोलिनियम बना था, आपको याद है ना, एक डब्बे में बंद रहता है, जिसको आपने पोलिनिया बोला था, है ना। और इसका एग्जांपल हम लेंगे कैलोट्रॉपिस का, जिसको आप आक बोले थे, है ना। यहां पे एक डिस्क होता है, है ना, ऐसे होते हैं, और इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं ना, इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। अब बताओ कि ये जब निकलेगा ही नहीं तो स्टिग्मा पे जाएगा कैसे, है ना। और जब ये दूसरे प्लांट पे कैसे जाता है? तो दूसरे प्लांट पे ये तब जाता है जब ये टूट के नीचे गिर जाता है और बस्ट होकर के, तब जो इसके एजेंट लेके जाते हैं तब होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। ओके, और ये सब क्या है? पॉलन ग्रेन है। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको क्या बोला हमने?
पॉलिनियम या पॉलिनिया. ओके, तो दीज वर द कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल पॉलिनेशन. ओके, तो हमने देखा दो चीज, सेल पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसेस और क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसेस. अब जब नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एजेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक. ओके.